छत्तीसगढ़ के गंडई के विश्राम गृह में शुक्रवार को धान खरीदी मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस वार्ता में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी मोती जंघेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुशरो, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार व प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू ने भी अपनी बात रखी। जानकारी अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आदेश अनुसार बुधवार को ब्लॉक स्तर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। जिला अध्यक्ष पद्म सिंह कोठारी के अनुसार जिला कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश महामंत्री पंकज शर्मा के निर्देश अनुसार इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में ब्लॉक प्रभारी मोती जंघेल ने कहा कि मैं सबसे पहले रमेश साहू को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूँ। कांग्रेस द्वारा धान खरीदी के मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता रखी गई है। भाजपा ने धान खरीदी को लेकर किया वादा पूरा नहीं किया, अब वह जनता को गुमराह कर रही है। भूपेश सरकार 2500 रुपए की राशि प्रति क्विंटल दे रही है, अंतिम किश्त की राशि भी जल्द मिल जाएगी। भूपेश सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी पर काम कर रही है, जैविक खाद भी इसी कड़ी की देन है। भूपेश सरकार किसानों का भला करने वाली सरकार है। भाजपा को 15 साल में केंद्र की यूपीए कांग्रेस ने भरपूर सहयोग दिया था। आज भाजपा की केंद्र सरकार भूपेश सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार मजदूरों व किसानों की पार्टी है। रमेश भाई, पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि गंडई कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया। सबसे पहली बात यह है कि जो वर्तमान जहां पे आप बैठे हैं गंडई, किसी जमाने में ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ कहलाता था। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे इस नगर में ख़त्म हो रही है। विधानसभा चुनाव ले लो, लोकसभा चुनाव ले लो, जो हमने देखा कि ऐसा लगता है कि ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में या कांग्रेस के लोगों में फिर से यहाँ पे कांग्रेस को एक तरीके से जो सो गए उनको आप जगाने का काम करोगे, कुछ ऊर्जा भरोगे। सबसे पहले आप लोगों ने स्नेह आशीर्वाद दिया और आप लोगों का आशीर्वाद से, हमारे जितने वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से, उनके स्नेह प्यार से मुझको ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं आप सभी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के वोट के जो ग्राफ हैं उसमें कैसे इजाफा हो और हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, आखिर हमारे कांग्रेस के पिछड़ने का कारण क्या है, इसमें सबके साथ बैठ करके चिंतन मनन करेंगे और कांग्रेस के वोट में इजाफा हो सके इसके लिए प्रयास किया जाए। ये धान खरीदी का भी मसला बहुत चल रहा है, बहुत जगह सोसाइटियों में बारदानी की कमी है, कहीं किसानों की शिकायत आ रही है, कहीं जो निगरानी समितियों की भी शिकायतें हैं। जैसे अभी बताया गया कि कहीं भाजपा वाले पहुंच के उनको चमका रहे हैं, धमका रहे हैं, इसके बारे में क्या है? देखिए, अब पक्ष के साथ में विपक्ष भी होना जरूरी है और वो लोग जैसा अभी अपनी पहुंच और पैठ बनाए हैं, वो लगातार 15 साल रहे हैं और जनता नए मूड में अभी कांग्रेस की सरकार चुनी। धान खरीदी केंद्रों तक के हमारे प्रतिनिधि, हमारे जितने भी निगरानी समिति के हमारे सम्मानित सदस्य हैं और हमारे सम्मानित प्रभारी जी हैं, उनके निर्देश में हम लोग जा करके कुछ विसंगति या कुछ भ्रांतियां आ रही है उस पर आवश्यक रूप से चर्चा करके उसका निराकरण खोजने की कोशिश करेंगे। सर, नाम और पद बताइएगा। रमेश साहू, अभी जवाबदारी दी गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडे जिला राजनांदगांव। ओके, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।